हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विभूतिभूषण आचार्य। वेलकम टू माय चैनल हाई फ्लाइंग पिजन। सभी भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। तो भाई, पिछले का टॉपिक में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि भाई पिजन को लॉफ्ट को कैसे साफ करना चाहिए और लॉफ्ट को कब साफ करना चाहिए, तो साफ करने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था। तो भाई, पिजन का लॉफ्ट को साफ करने का उसका पीछे कारण क्या रहता है? बहुत लोग बोलते हैं कि भाई साफ करने तो हर रोज साफ करने की जरूरत नहीं, तीन चार महीने में हम साफ कर लेंगे। तो भाई, नुकसान क्या होता है? भाई आपका ही नुकसान होता है, हमारा कुछ नहीं नुकसान होता है। तो मेरा जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। तो भाई देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो भाई, आप अगर बहुत लोग क्या गलती करते हैं, तो भाई पिजन को लॉक को हमेशा क्लीन हमको रखना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है भाई, मैंने आपको पिछले टॉपिक में पिछले जो डिस्कशन किया था, पिजन को लॉक को हम कैसे मेडिसिन कुछ पाउडर था मोटिफार में ला के हमको कैसे क्लीन करना है। तो ये जो है देसी इलाज, तो देसी जुगाड़ में हम कैसे हमारा पिजन का लॉक का बीमारी ठीक करेंगे, ये भाई 100% आपको रिजल्ट देगा। ये चीज़ आप यूज कीजिए और ये चीज़ आपका घर में भी है। तो बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, तो इसे करने से आपका लॉक प्रॉपर तरीके से क्लीन रहेगा, कुछ बीमार नहीं रहेगा। अगर कुछ बीमारी भी आ जाता है, कुछ वायरस अगर एक्टिव हुआ है, कुछ बीमारी रहता है, तो लॉक में जो भी पिजन बीट करते हैं, पतला वाला बीट करते हैं, जो भी वायरस रहता है, तो वो मर जाते हैं। फिलहाल आपको कैसे यूज़ करना है वो तो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। पहले जिस भाई ने चैनल के ऊपर नया है, भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो भाई जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है भाई। तो भाई, हमेशा हमारा लॉक को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। और एक पॉइंट है, मेन पॉइंट है भाई, बहुत लोग क्या करते हैं, जो पिजन को हम दाना वगैरह डालते हैं, अगर हमको भाई पहले तो जो हम पिजन को पानी देते हैं, जो वाटर देते हैं पीने के लिए, जो पॉट में देते हैं भाई, उसको हमेशा कवर रखने हमेशा उसको कवर रखना चाहिए। क्योंकि भाई अगर उसके ऊपर वो पतला वाला बीट करते हैं, पानी वाला बीट करते हैं, तो उसके ऊपर भी बीमारी हो जाता है। वो इसके ऊपर भी मैं आपके साथ एक टॉपिक भी लेके आऊँगा कि क्या करना चाहिए। तो भाई, और एक पॉइंट है क्या है, बहुत लोग कबूतर को दाना वगैरह खिलाते हैं, जो भी दाना हम देते हैं तो नीचे डाल देते हैं, तो हमको फूड ट्रे यूज़ करना चाहिए। क्योंकि भाई जो दाना अगर हम कल डालते हैं, वही दाना बीच में पड़ा हुआ रहता है, उसके ऊपर कबूतर बीट मारते हैं, उसके ऊपर बीटे करते हैं, तो वही दाना का अगर हमारा पिजन खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाते हैं। तो हमेशा लॉक को अगर जब भी दाना अगर हम अभी कबूतर को लें, तो एक दो घंटे में कबूतर दाना वगैरह खा लें, वही जो दाना बच जाते हैं वो दाना का उठा दो, वही दाना को नेक्स्ट जो दिन में अगर वही दाने को खाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भीड़ वगैरह मारते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। तो आपको फूड ट्रे यूज़ करना है, ट्रे में खाना वगैरह दीजिए। जिन भाई के पास नहीं है फूड ट्रे, तो भाई एक काम कीजिए, नया रख लें तो दाना देते हैं तो बहुत कम दाना दीजिए, ना कि ज़्यादा दाना डाल देंगे एक साथ, वो दाना नहीं खाएंगे, वो दाना पड़ा रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम सुबह जब दाना को कबूतर आपको खोलेंगे, वही दाना खा लेंगे, तो वो दाना खाने से क्या होता है, बीमारी पड़ जाता है कबूतर। कुछ भाई छत के ऊपर डाल देते हैं, कुछ बारिश हुआ, धूप हुआ, वही दाना ख़राब हो गया, तो वो दाना हजम नहीं होगा, फोड़ फोड़ होगा, बहुत सारी बीमारी में आपका जाएगा। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा रेगुलर बेसिक में वीकली आप जहाँ पर खाना वगैरह देते हो, तो वीकली लॉक को हमेशा साफ रखना चाहिए। और हमेशा मंथली एक महीने में आपको एक बार दो बार आपको आपका लॉक को हमेशा साफ रखना चाहिए। तो जैसे आप साफ रखेंगे, तो देसी जो आपके साथ मैंने बोला देसी नुस्खा कैसे आपको साफ करना है और आपको क्या क्या चीज़ लेना है। पहले भाई आपको गुड़ लेना है, जो हम खाने में यूज़ करते हैं गुड़, तो गुड़ लेना है, काला गुड़ जो है, एक केजी गुड़ लेना है। उसके साथ आपको एक केजी जो नमक आता है, जो बड़ा वाला नमक आता है ना, तो हम जैसे खाने में खाते हैं छोटा जो पाउडर जैसा नमक खाते हैं, जो गाय वगैरह खाते हैं तो बड़ा वाला नमक, तो वही नमक आपको लेना है, एक केजी गुड़ लेना है और एक केजी नमक लेना है, सादा नमक, काला नमक नहीं है, ठीक है भाई। तो ये एक केजी गुड़ लेना है, एक केजी काला नमक लेना है, सॉरी भाई, एक केजी काला नमक नहीं, तो एक केजी वाइट नमक लेना है आपको, जो बड़ा साइज़ का आता है, ठीक है। अगर वो नहीं मिलता है तो भाई नॉर्मल नमक आप यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो क्या क्या लेना है, गुड़ लेना है एक केजी लेना है और आपको नमक एक केजी लेना है। तो आपको क्या करना है, एक पॉकेट में पूरा आधा पानी ले लो,
एक बकेट में, एक बाल्टी में, एक टॉप में जितना होता है आधा पानी लेना है उसके उसके साथ ये नमक और ये मिक्स करना है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और उसको एक स्प्रे के अंदर डाल देना है और उसको स्प्रे करना है आपका लॉफ्ट में। लॉफ्ट को अगर पहले आप लॉफ्ट को क्लीन कीजिए, साफ कीजिए, जो पेट वगैरह है उसको साफ कीजिए, कबूतर को भाई बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद लॉफ्ट को हमेशा जब भी साफ करते हैं पूरा प्रॉपर क्लीन कर दो। उसके बाद ये जो गुड़ है और ये जो नमक है उसको दोनों को भाई मिक्स कर लो एक पानी में, आधा मतलब एक बॉकेट हो, एक बाल्टी हो, एक टॉप हो, आधा पानी में लेना है, फुल भाई नहीं लेना है। तो आपके अगर ज़्यादा कबूतर है तो 100, 200, 300, 400 ज़्यादा ऐसे बहुत सारे कबूतर, तो एक बाल्टी में, एक टॉप में, एक पॉकेट में पूरा लेना है और क्वांटिटी बढ़ाना है आपको। 1 kg की जगह 2 kg लेना है, 2 kg, 1 kg नमक की जगह 2 kg नमक लेना है, उसके हिसाब से आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये काला जो नमक है और उसके साथ आपको पानी और गुड़ ये सब मिक्स कर लेना है। मिक्स करके एक स्प्रे में उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और उसको स्प्रे करना है। तो भाई ये स्प्रे पूरा लॉफ्ट में डालो, जहाँ पर आपका पिजन खाते हैं नीचे वहीं पर डाल दो। लॉफ्ट का टोटल लॉफ्ट में जहाँ आप चाहेंगे वहाँ पर स्प्रे करेंगे, आपका जो वायरस एक्टिव होंगे लॉफ्ट में भाई, स्प्रे करने के 2-3 घंटे के बाद आपका लॉफ्ट में वायरस वगैरह कुछ नहीं रहेंगे। ये भाई देसी इलाज, देसी नुस्खा है, आपके आप ये ट्राई कीजिए, आपके लॉट में बीमारी वगैरह भी नहीं आएगा। ये अच्छा तरीका है आपका, तो मेडिसिन के हिसाब से ये भाई देसी इलाज में, ये जो देसी नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हमेशा कारगर रहता है। 100% रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो भाई लॉट को हमेशा हम अगर प्रॉपर टाइम में क्लीनिंग रखेंगे तो भाई हमारा पिजन बीमार में नहीं रहेंगे। तो कबूतर रखना इतना छोटी बात नहीं है, हमेशा हमको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए। तो भाई हमारा पिजन, हमारा लॉफ्ट हमेशा सुस्त रहेगा, पिजन हमारा बीमार नहीं रहेगा। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई हमको पिजन दिखाओ, कबूतर का शो करवाओ। भाई हमेशा तो पिजन का लॉफ्ट अगर शो करवाएंगे आपको तो बीमार वगैरह जो रहते हैं तो भाई कमेंट करते हैं, उनके लिए भी कुछ वीडियो वगैरह बनाते हैं फ्री टाइम में, ठीक है भाई। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और भाई कमेंट देना मत मुझे, तो आप यूज़ कीजिए फिर मेरे को कमेंट कीजिए। और कुछ भी डाउट होता है मेरा नंबर में मेरे को